गुलहार चीका में नशे की लत से पीछा छुड़वाने के लिए लोग अपने बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र में भेजते हैं। वो ये भी जांच नहीं करते कि जिस जगह अपने बच्चों को भेज रहे हैं वो सरकार के नियमों की पालना करती भी है या नहीं। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देर रात जिला प्रशासन ने एक ऐसे ही नशा मुक्ति केंद्र पर छापेमारी की है जो बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा था। इस दौरान प्रशासन के अधिकारियों को 28 लोग मिले जो नशा छुड़वाने के लिए भर्ती हुए थे। रिहा हुए मरीजों ने बताया है कि उनका नशा तो यहाँ आकर छूट गया है, मगर ये लोग उनके साथ मारपीट भी करते थे और पैसे लेने के बाद भी अच्छा खाना तक नहीं देते थे। घर वालों ने कह दिया कि इनको ले जाओ, तो अभी हमको रात को सूते पे को चक ले। तो क्या कौन सी जगह थी वो? हमारा गाँव नहीं, जहाँ तो आप रहते चीका थे चीके, चीके चीका में। हाँ। कोई नशा मुक्ति केंद्र था? नशा मुक्ति प्राइवेट था? कोई प्राइवेट ही दी। हाँ, कितने पैसे देते थे? पैसे तो 12-13 हज़ार दी जी, एक महीने के। बाकी 3 महीने मान लो जी, भी कह रहे 6 महीने लगाने ने, पहला 2-3 महीने का भी 12 हज़ार देना पी, फिर ज्यादा रखने दे मारे बंदे नू, फिर कहना दे भी चल 8-10 हज़ार पी दी। किस तरह का नशा करते थे आप? नशा तो चिट्टा पीते थे, भुक्की खाते थे, फीम खाते थे। तो अब छूट गई आदत? हाँ, 6 महीने हो गए जी अंदर। मैं तो 6 महीने के बाद अभी ये निकल आऊ, अभी देखा है मैंने तो बाहर का मौसम, 6 महीने के बाद देखा है। जिद मैं घरों लेके आए चाह के 20,000 रुपया लेके आई मेरे घरों, महीने का खानी 2 महीने का कह के, खड़े करके बैठे रहो चौबीस घंटे भी थे। डांगा बजिया सिर चाह दिखा दो जख्म देख लो है जी हजे भी खुरकी जाता। क्या नशा करते थे आप? चिट्टा लौंगा जी। इन मरीजों के साथ नशा मुक्ति केंद्र में जेल से भी ज्यादा कड़ा बर्ताव किया गया, मारपीट की गई और खाना भी अच्छा नहीं दिया गया, मगर पैसे देने के साथ कम से कम इतनी यातनाएं देना कहां तक जायज है। बहरहाल इस कार्रवाई के बाद गुलहा चीका प्रशासन ने अवैध नशा मुक्ति केंद्र को सील कर दिया है। संयुक्त रेड की गई ये जो री एडिक्शन कम रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाया जा रहा था, जांच में अभी तक यह पाया गया प्राथमिक तौर पर बिना किसी लाइसेंस के चलाया जा रहा था। यहाँ पे 32 पेशेंट मिले हैं, उनको हम सिविल हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। बाकी नियमानुसार कार्रवाई SHO गुला द्वारा तफ्तीश के दौरान। क्या किसी तरह का नाम भी था सर इसका? क्या कोई नाम से चलाया जा रहा था? बहरहाल गुलहा के SDM और DSP द्वारा की गई छापेमारी के बाद केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। गुलहा चीका से JB गोयल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।